गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आप लोग जानते हो कि फ्रेंड्स मैं ब्लॉगिंग की थी और वीडियो आप लोग बस जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और मैं आज ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ मार्केट, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता ही है फ्रेंड्स। और मेरा आज मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा मार्केट भी घुमाऊँगी और आप लोगों से बात भी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आ गई हूँ। और मैंने अभी गाड़ी में ही शुरू किया है ब्लॉग बनाना, तो आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो, क्योंकि एसी चल रहा है गाड़ी का। तो मैं अभी बैठी हूँ गाड़ी में ही और मेरे अभी गए हुए हैं, थोड़ा बाहर गए हैं, आ रहे होंगे। तो मैंने सोचा चलिए शुरू ही कर लेती हूँ, ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। जब मैं मार्केट पहुँच जाऊँगी तब मैं आपको मिलती हूँ। चलिए मिलती हूँ बाद में। अभी घर जा रही हूँ बहुत रात है। मार्केट में मैंने आपको दिखाया,
है ब्लॉग के बाद मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ एक थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी मैंने, वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ फ्रेंड्स। तो वही शेयर करने जा रही हूँ। कुछ मैंने इयरिंग वगैरह खरीदे थे, ज़्यादा तो नहीं खरीदे, बस कुछ ही खरीदे हैं, तो वो दिखाऊंगी मैं अभी आप लोगों को फ्रेंड्स। ये जो ब्लॉग है ये शायद करवा चौथ से पहले भी जा सकता है, करवा चौथ के बाद भी जा सकता है, तो ये आप लोगों को मिलेगा कुछ टाइम बाद, तो पता नहीं कब जाएगा ये, शायद पहले भी जा सकता है, तो आप उसमें भी देखेंगे मुझे बेयर किए हुए। तो फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं अभी आपको, ये देखिए मेरी छोटी सी शॉपिंग है वही दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं कोई भी चीज़ खरीदती हूँ तो परचेस करती हूँ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, तो वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैंने इयरिंग खरीदे हैं, ये कितने प्रिटी से इयरिंग है फ्रेंड्स, ये देखिए कितने क्यूट से हैं, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है बहुत वेट होगा इनका, लेकिन नहीं, ये बहुत ही लाइट वेटेड है तो मुझे अच्छे लगे, तो ये इस तरह से आएंगे, देखिए कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं फ्रेंड, बहुत ही प्रिटी हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने इनको ले लिया। और एक और दिखाती हूँ मैं, फिर मैं इनको को डाल के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल मतलब कंट्रास्ट में, मतलब कुछ भी आप पहने और किसी भी ड्रेस पे आपका ये चल जाएगा, इस वजह से मैंने इसको परचेज किया है। देखिए इसमें छोटे छोटे से मोर पीकॉक्स बने हुए हैं, ये ऊपर में ये दिख रहे हैं ना आपको, ये पीकॉक का शेप है, तो मुझे अच्छा लगता है पीकॉक, तो उस पर जैसे मुझे अच्छा लगा ये तो मैंने ये ले लिया एक। और ये छोटी छोटी सी इसमें ये छोटे छोटे से ये झुमकी टाइप लगे हुए हैं और इसमें ये बीट्स लगे हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलरफुल बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये भी पीस है। ये भी मैंने 70 का ख़रीदा है और ये भी मैंने 70 का ही लिया है, क्योंकि ये दोनों ही वो फिक्स रेट था उसका, वो कम नहीं करता है, तो जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ वहीं से लिया मैंने, क्योंकि मैंने एक जगह और देखे थे इस तरह के, तो वो 150 बता रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं 150 के तो नहीं लूँगी, और उसको बोला कम कर लो, तो उसने नहीं किया, तो मैंने सोचा चलिए दूसरी जगह देखती हूँ, तो मैं जहाँ से लेती हूँ वहीं से मैंने ये लिया है, तो उसने भी 70 का दिया है, ये उसने तो ये 70 का ही दिया है, वो एक रुपये भी कम नहीं करता, और ये भी 70 का ही लिया है मैंने, बहुत ही सुंदर सा है ये दोनों ही, कितनी सुंदर है, अभी दिखाती हूँ वेयर करके आपको। और फ्रेंड्स ये बैंगल, मैं जब तक कुछ अपनी शॉपिंग कर रही थी कुछ देख रही थी, तो मेरे हस्बैंड गए, तो उन्होंने मेरे साथ उन्होंने मेरे लिए ये लिया, करवा चौथ के लिए गिफ्ट दिया है उन्होंने, आई होप अच्छा लग रहा हो आप लोगों को। ये देखिए इसमें देखिए ये जो है ना छोटे छोटे से पर्ल लगे हुए हैं, वाइट वाइट पर्ल हैं, गोल्डन है, तो सभी के साथ ये चला ही जाएगा। और ये छोटे छोटे जो इधर लगे हुए हैं वो सारे नग हैं, जो डायमंड होते हैं वो हैं, दोनों साइड में इस तरह से लगा हुआ है, और इस तरह से इसमें भी ये इस तरह का है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से लग रहा है ये, मैं पर मुझे बहुत ही लूज़ हैं, क्योंकि फिर भी उनको ये थोड़ा सा साइज मेरे साइज का लगा, तो लेकर आए हैं ये बैंगल। वैसे मेरे साइज किसी को भी नहीं पता रहता है, बहुत ही पतला हाथ है मेरा, तो मुझे इस तरह से ये देखिए कैसे हो रहा है, और भारी है थोड़ा सा, तो वेयर करने में मतलब सिर्फ एक ही एक डाल पाऊंगी मैं, और ये बहुत ज़्यादा बहुत ही प्रिटी है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखिए, और ये मुझे इस तरह से निकल जाएंगे, इस तरह से चले जाएंगे फ्रेंड्स, तो मुझे जो भी मैं बैंगल लेती हूँ ना तो सब मेरे साथ ऐसा ही होता है, ऐसे निकालते ऐसे ऐसे डल जाता है, ऐसे निकल जाता है मेरे साथ ऐसा ही है। तो ये देखिए मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे, उन्होंने दिया मुझे गिफ्ट, एक करवा चौथ गिफ्ट तो हो गया, ये बहुत पसंद आया, तो मैं चलिए आपको इयरिंग डाल के दिखाती हूँ आपको वेयर करके। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने वेयर कर लिया है, ये देखिए कितने प्रिटी लग रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हो कितने सुंदर दिख रहे हैं, आप किसी के साथ भी पहन सकते हो, जो भी आउटफिट आपने पहना हो उसके साथ आपका ये आराम से सब पर ये आपका चल जाएगा, ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है,
मुझे बहुत ही सुंदर लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसको पहनकर तो वहाँ नहीं देखा बट हाँ, पर बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा बहुत टाइम लगता है मुझे ईयरिंग सेलेक्ट करने में, बैंगल्स हो ईयरिंग्स हो कुछ भी हो, पर मुझे बहुत टाइम लगता है सेलेक्ट करने में क्योंकि आई होप सही दिखे। तो ये देखिए अच्छा दिख रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ये दोनों ही इयरिंग आपको कैसे लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने डाल लिए हैं, ये देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं, ये देखिए बहुत ही लाइट वेट है तो चल जाएगा ये। और जो मैंने पहले दिखाए थे ना आपको, वो बहुत ज़्यादा हैवी थे तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहे हैं, बट ये मैं पहन के जा सकती हूँ कहीं भी बाहर, तो मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे। ये ऑक्सीडाइज हैं तो अच्छे लगते ही हैं हर चीज़ पर, ब्लैक पर, जो भी आपने रेड पहन रखा है मैंने तो रेड पर भी अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे ये इयरिंग, आपको अच्छे लगे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे। उस दिन मैं आप लोगों के साथ मेरी छोटी सी शॉपिंग है, जो टाइनी माइनी सी शॉपिंग है, जो वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, मुझे डिनर बनाना था इस वजह से। तो मैं नेक्स्ट डे इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाना तो बनता है फ्रेंड्स, और मैं कुछ भी लाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता है ना फ्रेंड्स, तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। और मैंने ये देखिए, इसका भी बहुत जल्दी हॉल आने वाला है, तो क्लॉथिंग हॉल आएगा, आप लोग वेट करिए देखिए। और ये आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा रेड है और इसमें डॉट डॉट वगैरह बने हुए हैं, तो मुझे पोल्का डॉट वाले अच्छे लगते हैं इस तरह के कपड़े, तो मैं वेयर कर लेती हूँ कभी कभी। एक्चुअली ऐसा मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको भी ले लिया। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, और ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, ऐसे मार्केट से मैंने नहीं ख़रीदा। तो देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, आप लोगों को अच्छे लगे या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहंदी देखिए बहुत काली हो गई है, दिख नहीं रही इतनी काली, पर तो बहुत ही ज़्यादा काली है ये, बहुत 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 ब्लैक है, जेट ब्लैक जो होती है ना मेहंदी वही है अब, लेकिन निकलेगी ना तब बहुत गंदी लगती है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अभी। तो गाइज मैं मार्केट से आ गई हूँ और जितने भी ब्लॉगिंग हुई है मैं दिखाऊंगी आपको, मतलब वीडियो में ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ इतना रस था कि शूट ही नहीं कर पा रही थी मैं, और तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, तो अगर अच्छा लगे आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और छोटू सा ब्लॉग होगा ये, पता नहीं छोटा ही होगा, आई थिंक ये छोटा ही होगा क्योंकि मैंने इतनी ब्लॉगिंग नहीं की है कि ये बड़ा हो जाए, क्योंकि मार्केट में शॉप ज़्यादा नहीं दिखा पाई मैं शॉप्स वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा रस था, इतना रस था क्योंकि कल करवा चौथ है और करवा चौथ की वजह से इतनी भीड़। और मैंने देखी अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है, अब देखती हूँ रात में अगर टाइम मिला मुझे तो मैं लगाऊंगी। और मार्केट में मैं नहीं लगवा सकती थी क्योंकि मुझे अभी घर पर काम करना है, खाना बनाना है, एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है और शायद 9 बज गया होगा इस वजह से। तो अभी मैं डिनर बनाऊंगी, उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, और मुझे ये वीडियो भी अपलोड करनी है तो देखती हूँ क्या होता है, और एडिटिंग वगैरह पहले करनी पड़ेगी उसके बाद डालती हूँ वीडियो। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय।